गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप पीछे देख सकते हो, सूरज और कृतेश एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूं, तो मैंने सोचा एक मोटे को पतला कर दूं थोड़ा सा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग एकदम फिट एंड फाइन हैं। मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूं, तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा मेरे बोलने से। मैं फिट हो गया हूं। तो गाइस, आज बहुत मजा आने वाला है व्लॉग में। मैं आपको जिस प्रॉपर्टी में रुका हुआ हूँ उसको दिखाने वाला हूँ, पूरा रूम टूर और जहाँ यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो सब दिखाने वाला हूँ। और बाकी माउंट आबू में जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं वो भी कवर करेंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा और बहुत ही फन वाला होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ऑलरेडी पीछे व्यू देखो, पहाड़ वाला। हाँ, एक्चुअली एक सबसे खास चीज़ बताऊँ इस प्रॉपर्टी की, सिर्फ एक मंथ हुआ इसको ओपन हुए। आज इसकी फर्स्ट एक मंथ की एनिवर्सरी है, और वन मंथ में ये प्रॉपर्टी पूरे माउंट आबू की सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करने वाली प्रॉपर्टी बन चुकी है सिर्फ एक महीने में ही। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रॉपर्टीज, हमारे पास यहाँ पे यंग होस्ट है। सो लेट्स वेलकम देम। कम ऑन हृदय। सो ही इज आर्यन एंड ही इज हृदय। या अभी सबको जल्दी से बोल दो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर, सब कर देना जल्दी से। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर, सब कर देना, सब कर देना। देखो एक छोटा बच्चा बोल रहा है। लुक एट दिस, ये भी बहुत अच्छा एक्टर है, ये बहुत अच्छा एक्टर है। जल्दी आने वाला है टीवी सीरियल्स में। इसका स्टूडेंट है ये, देन अभी 12th क्लास में, 11th क्लास में। और मेरे को पता क्या लग रहा था कि वो यहाँ पर एक्चुअली जैसे कोई वो नहीं होते, जनरल मैनेजर। हाँ, जनरल मैनेजर टाइप लगे थे मेरे को, क्योंकि इतने अच्छे से होस्ट किया था इन्होंने हमारे को। और अरे तो फूली के सिजलर के बारे में बताना, लो वो बाद में बताऊंगा ना, वो मैं अंदर जाके बताऊंगा। देखो मेरा काम है खाने के बारे में पहले सोचना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। ये सोचती है और ये खाता है। ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि हम आराम से रनिंग भी कर सकते हैं इसमें चारों तरफ। तो गाइस देखो, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। और सूरज एक चीज नोटिस की तूने, और यहाँ पे भी डेकोरेशन चल रहा है, वेडिंग होने वाली है, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। तो ये मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी जगह है। पीछे कपल्स के लिए बहुत ही रोमांटिक, यस, वेडिंग का फील आ रहा है। कपल का आ गया, मुझे समझ आ गया। ये इतना बड़ा स्टेज है, यहाँ पर डांस पार्टीज भी होती है। ऐसी डांस कर दे एक बार, मेरा वाला। 1 2 1 2 वो बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पर। क्या कर रहा था इसके बाल, देखो इसके बाल देखो कैसे कैसे हो रहे हैं। नाइस। ये बच्चों के लिए तो बड़े ना करे। हाँ, और कुछ कर रहा है। एंड ये मेरा फेवरेट है, अ बिग स्विमिंग पूल। इतनी ठंड लगेगी, बहुत अच्छी सिटिंग भी है यहाँ पर। सेकंड फ्लोर पे देखो हर्ष और अभिषेक है। तो हम इनको बंद करके आ गए, क्योंकि वो लोग लेट हैं। तो आपकी क्या सेवा करी जाए मैडम? आई वांट जूस। जूस और आई वांट ब्रेकफास्ट। एक बाल्टी भर के आपके ऊपर पानी डाल दिया जाए, चढ़ेगा। बहुत ही प्यारा हिल क्रिस्ट फाउंटेन भी बनाया हुआ है, तो अभी बंद है, तो प्लीज फाउंटेन चालू हो जाइए। भाई बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्च है, काफी बड़ा है, और यहाँ से भी आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ हो ना, तो फर्स्ट फ्लोर पे रूम्स लेने की ट्राई करना, वैसे बहुत कम खाली रहता है वो। फर्स्ट फ्लोर पे लोगे तो बहुत ही आराम से जमर जाए, तब आप यहाँ पर बैठ के और पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। हमेशा की तरह मेरे अकेले का ये पूरा रूम है, यहाँ मैं अकेले। मेरे बहुत मजे है, व्यू मिस नहीं करना है। इस रूम से आप पूल और माउंटेन दोनों कवर कर सकते हो, अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। हमारा रूम देखो, बिल्डिंग में से गई वाला, मेरे को अच्छे नहीं दिखा ना, रुक जा। ये माउंटेन, इसमें भी है माउंटेन व्यू, देख। ऐसे इन्होंने उल्लू बना के स्विमिंग पूल वाला रूम हथिया लिया था हमने। चलिए ब्रेकफास्ट करने। या तो ब्रेकफास्ट कर लिया है हम लोगों ने, और अभी हम जा रहे हैं अचलगढ़ फोर्ट सबसे पहले। वो अभी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो अभी सीधे चलते हैं वहीं पर। और उसकी बहुत अच्छी स्टोरी, और बहुत मतलब कहानियाँ, मतलब बहुत ही
दिलचस्प हमारा तो मतलब एकदम ऐसा हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है ऐसी कहानी, वो मैं वहीं पहुंच कर बताऊंगा आपको और देखते कितनी ज्यादा चीजें हम वहां पर देख पाते हैं। एक्चुअली वहां पर अंदर एक जगह है, वहां पर शायद कैमरा नहीं ले जाने देते, बट हम वहां देख कर आएंगे, देन आपको बताएंगे कि क्या था वहां पर। बस आई होप वहां पर वो हमारे को जाने दे और अंदर वो एक्सपीरियंस करने दे बस। तो मेरा और ऋषि का आउटफिट देख लीजिए और आपको पता ना क्या करना है, हम दोनों में से बताना है सबसे अच्छा कौन लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में। यहाँ पर दिलवाड़ा टेम्पल भी है जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन अभी बंद है तो हम जा नहीं सकते, तो आप लोग जब भी माउंट आबू आओ तो यहाँ पर जरूर विजिट करिएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अचलगढ़ फोर्ट, और अभी फोर्ट के लिए हमारे को शायद थोड़ा सा 10-15 मिनट का ट्रैकिंग करना पड़ेगा, यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते कार को, पर हमें कुछ आइडिया नहीं कि कहाँ पर कैसे जाना है, तो हम देखते हुए ढूंढते हुए पूछते हुए जाएंगे। इधर मार्केट है छोटा सा, हम ऊपर जा रहे हैं और ये लोग यहीं पर रुक रहे हैं क्योंकि थक चुके हैं, और अभी क्योंकि ऊपर और जाना है तो मैं और अभिषेक जा रहे हैं साथ में। अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी टाइप का लग रहा है, पूरा सन्नाटा है, पूरे में सन्नाटा है। यहाँ पर है चामुंडा माता जी का मंदिर, इधर झाड़ियों में कोई है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है कुछ, हाँ कोई होगा शायद जानवर वगैरह कोई, तो चल रहे हैं तो इधर से चल। अभी चट्टानों पे से चलते हुए जाते हैं, देखे कहाँ तक पहुँचता है रास्ता, कौन सा कहाँ जा रहे हैं। ये दीवार बनी हुई है, ये रहा किला, ये पूरा पार्ट किले के अंदर आता था लेकिन अब सिर्फ दीवार दीवार बची है। ऐसा हमारे को कुछ बड़ा सा फोर्ट जैसा नहीं मिला, जो बचा है वो सिर्फ यही मिला है, सिर्फ इतना सा बचा है ये किला, सिर्फ ये दीवार बची है किले की। एक्चुअली मुझे डर थोड़ा सा इसलिए लग रहा है कि पूरा जंगल है, सांप हो या कुछ भी हो किसी भी, ये बस इतना सा एक स्क्वायर जैसा एक रूम बना हुआ छोटा सा, इतना ही पार्ट बचा है इस फोर्ट का। यार अभी ये गुफा में जाके मंदिर है काली माता का, मुझे वो देखना है यार, वही नहीं मिल रहा ना, वही तो ढूंढ रहा अपन। हमें दर्शन करने थे और वो हो गए, उधर ढूंढ रहा था मैं गुफा लेकिन मिली नहीं थी, इधर एकदम से रास्ता दिखा तो बस चल दिए और मिल गई, मैं दर्शन करके आ गया। मंदिरों को कैमरे में कैप्चर करना हर जगह मना होता है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं कैप्चर करी, बट हाँ वहाँ जाकर दर्शन हो गए। मैं पूरा अंदर नहीं गया, गुफा में बना हुआ है मंदिर, गुफा के अंदर, बस थोड़ा सा डर लग रहा था वहाँ पर भी, हाँ। एकदम शांति थी तो बस मैं दूर से ही हाथ जोड़ के आ गया। ऊपर फोर्ट देखने जाना तो लाइक इतना वर्थ नहीं है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पर, लेकिन हाँ जो गुफा वाला जो माता रानी का मंदिर, अगर आपको दर्शन करने हो तो ज़रूर ऊपर जाइएगा। और अभी हम जा रहे हैं नीचे वाले शिव जी भगवान जी का जो मंदिर था उधर, वहाँ जाना ही है, और वो जो रहस्य है वो यहीं पर जुड़ा हुआ है, और पहले हम वो एक्सपीरियंस करके आएंगे तभी आपको वो दिखाएंगे, तभी आपको मतलब सॉरी दिखा तो सकते नहीं, वो उसको बताएंगे आपको। तो गाइस अंदर जो हमने सुना था वो हमने देख भी लिया, वहाँ पर शिवजी भगवान का अंगूठा निकला हुआ है, हाथ का या पैर का ये पता नहीं, पैर का, अच्छा पैर का अंगूठा है, वो साफ दिखता है वहाँ पर। हर जगह शिवजी महाराज के मंदिर में शिवलिंग और वो सब होते हैं, वहाँ पर अंगूठा है अंदर मंदिर में, क्योंकि माउंट आबू का नाम अवरुद्ध पर्वत था पहले, और यहाँ पे ऋषि जो थे वो पूजा पाठ करते थे, ऋषि वशिष्ठ। तो उस टाइम पे जब ये उनके पास एक सांप था अवरुद्ध सांप, जो कि यहाँ पे बार बार पहाड़ लेकर आके छोड़ता था, बट वो हर बार अस्थिर रहता था, डूब जाता था, इकलौता सांप था जो उड़ सकता था, और वो हमेशा पहले ये गड्ढा था बहुत बड़ा, तो इसमें पर्वत लाके रखता था और वो हिल जाता था या फिर डूब जाता था। तो उन सब ने ऋषि भगवान की तपस्या करी, तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे का स्थापना करी, तब से ये पहाड़ को अचल हो गया और यहाँ पे अचलेश्वर महादेव का मंदिर, तब से ये पहाड़ हिलता नहीं। एंड दिस इज ऑफ 9th सेंचुरी टेम्पल। अचल का मतलब ही होता है जो चीज मूवेबल, समझ सकते हो, ये पूरा पहाड़ लाके रखा हुआ था, लाके रखा था भगवान ने, यस मतलब उस नाग ने रखा था। इस टाइम पर ये चीजें मतलब सोच भी नहीं सकता कोई, 9th सेंचुरी में था जब भगवान ने यहाँ पर इस जय भोलेनाथ पर्वत को रखा था। और उनका अंगूठा अगर आपको देखना है, ये हमारे को स्टोरी पंडित जी ने बताई है, हम खुद नहीं बना रहे हैं, और अगर आपको देखना हो तो अंदर जाके आप जब भी यहाँ पर आओ तो मंदिर के दर्शन जरूर करना। ये अभी हिल स्टेशन और वो टूरिस्ट प्लेस बना है, बाकी ये तीर्थ स्थल ज़्यादा है। तो अभी नेक्स्ट चल रहे हैं हम ट्रेवर्स टैंक पे, वहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं, वो पूरा थोड़ा सा जंगल टाइप है, थोड़ी सी मस्ती करते हैं, क्रोकोडाइल और भालू वगैरह सब अगर हमारी किस्मत अच्छी तो दिख जाएगा, लेट सी दिखता है या नहीं। और यहाँ पर आ चुके हैं ट्रेवर्स टैंक, ये माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर ये एनिमल्स हैं, बट इनका कंफर्मेशन नहीं होता कि आपको दिख ही जाएंगे क्योंकि पूरा जंगल है, खुले में है। 2 किलोमीटर अभी ये कार अंदर जाएगी, उसके बाद देन वॉक करके जा सकते हैं। बहुत ही उबड़ खबड़ रोड है और अंदर ही अंदर जाते जा रहे हैं, बिल्कुल जंगलों के बीच में पहुँचाएंगे शायद हमारे को, डर और लग रहा है। तुम लोग भालू भालू पार्किंग लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, इससे आगे कार नहीं ले जा सकते, अभी इधर देखते हैं ऊपर जाके क्या है और कहाँ घूमने का कैसा क्या है, देखते हैं, लेट्स सी।
ऐसे नहीं होता। आलू। आलू। तालाब में है मगरमच्छ, देखना अभी कहीं दिख रहा है तेरे को। हम लोगों ने 20-25 मिनट्स यहाँ पे रुक कर वेट कर लिया, लेकिन हमें कहीं पर भी क्रोकोडाइल नहीं दिखा। आलू। ये लोग पागल हो चुके हैं इस जगह पे आ गया। बालू बालू नहीं मिल रहा है यार। हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चापुस वापस घर। सक्सेसफुली 500 रुपए वेस्ट हो गए। ये बहुत बोरिंग था यहाँ का। माउंट आबू का सबसे बोरिंग चीज ये लगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कितना अच्छा लगे ना, कोई भी नहीं बैठा और झूला अपने हिलने लग जाए। पागल। अभी एक और जगह जाना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है गोमुख टेम्पल। वहाँ की भी स्टोरी बहुत ही अलग है, तो हम पहले देखेंगे उसके बाद ही उस स्टोरी को बताएंगे। हमने सुना है उस चीज़ को, तो एक बार हम देख कर आएंगे उसके बाद ही आपको बताएंगे। रोड बहुत उबड़ खाबड़ थी इधर की, तो बहुत धीरे धीरे चल पाई गाड़ी, और अब कृतेश के पैर में लगी हुई है, तो क्योंकि गोमुख टेम्पल जाने के लिए नीचे 750 सीढ़ियाँ उतरना पड़ेगा, और वो उतर तो जाएगा लेकिन चढ़ नहीं सकता वापस से 750। तो यशी भी हमारे साथ नहीं आ रही है क्योंकि कृतेश को अकेला नहीं छोड़ सकते यहाँ पर। तो मैं, कालू और हर्ष जाकर आ रहे हैं। पहले 750 स्टेयर्स नीचे उतरना है। नहीं, दो किस बात का है कि वापस चढ़ना भी है। भाई पीछे पीछे बोलते हुए चलना ताकि मुझे पता रहे कि तुम हो। सबसे पीछे मैं हूँ, अगर मेरी आवाज आनी बंद हो समझ लेना बस। और हम तीनों के अलावा यहाँ कोई चौथा बोल गया ना। तो ऊपर भागना है या नीचे भागना है ये मुझे पता नहीं। मैं तो इधर डोली से कूद जाऊंगा। हमने सोचा था 750 सीढ़ी आराम से उतर जाएंगे, यूं उतर जाएंगे, उतरने में तो टाइम लगता है, लेकिन उतरने में हालत खराब हो गई है। अभी चढ़ना है इसको, तो मेरे को अभी पहुंचे नहीं, लेकिन पहले से डर लगने लग गया वापस जाएंगे कैसे। बस जो हमने सुना है वो हमारे को देखने को मिल जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। ओके, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और मुझे पानी की आवाज़ आ रही है, बस मैं वो अपने आँखों से देखना चाहता हूँ। यस, वो यहाँ पे सरस्वती माता जी का मंदिर है और नीचे गोमुख है जिनको देखने के लिए हम नीचे आए हैं। और इसकी जो मैं बोल रहा था ना, इसके पीछे भी कुछ राज है, मतलब कुछ कहानी है, वो ये है कि याद देखिए पानी छोड़ सकते हैं ना, इनके मुंह से कंटिन्यू 24 आवर पानी निकलता रहता है, और ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये पानी आता कहाँ से है। मतलब साइंटिस्ट वगैरह, मतलब जितने लोगों ने भी खूब ट्राई कर लिया, लेकिन इसका पता नहीं लगा पाया कि ये मुंह में से, मतलब ये पानी आता कहाँ से है, और कंटिन्यू चलता है 24 आवर्स। और ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत ही कम। और माउंट आबू में दो चीज़ हमने ऐसी देख ली, एक तो शिवजी भगवान का अंगूठा और एक गोमुख। हम ऊपर जा रहे हैं वापस, और 750 स्टेयर्स वापस ऊपर चढ़नी है, एंड मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हालत नहीं है, लेकिन मैं सीधे ऊपर पहुंच के आपसे मिलता हूँ। मैं ऊपर सीधे ऊपर पहुंच के आप कैमरा स्टार्ट करूँगा। बोलने के लिए भी नहीं रहे, फाइनली ऊपर पहुंच गए। 720 स्टेज थी, एक एक स्टेज गिनी मैंने, पैर ऐसे दूस रहे यहाँ पर क्योंकि हालत बहुत टाइट हो गई। आओ सीधा होटल में मिलता हूँ मैं। हाँ, तो रात को कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा होटल। तो अभी हम सब डिनर करने जा रहे हैं, और जो सिज़लर जो मैंने आपको बताया था सुबह, वो अब हम खाने वाले हैं। हमने वैसे कल भी खाया था और आज भी खाएंगे, और आज आपको दिखाएंगे भी। और पहले मैं दिखाता हूँ, ये जगह बहुत खूबसूरत है जहाँ पर हम खाने वाले हैं। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, एंड दिस इज द बार, एंड यहाँ पर ये बहुत अच्छा बार है। यहाँ पर भी सेटिंग एरिया बहुत प्यारा है, यहाँ से भी अपन व्यू इन्जॉय कर सकते हैं। एंड सर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन 1 month कम्प्लीट होने के लिए। Thank you today. आप प्रमोद चौधरी सर हैं, यू ओन दिस होटल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस, एंड टुडे एज वी नो थैंक यू यू गाइस फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, अमेजिंग सपोर्ट, एंड 1 month कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू, एंड 1 month में वी आर ऑन द टॉप। यस, ओके, तो हमारा सिज़लर आ गया है। इस सिज़लर का नाम भी होटल के नाम पे है, हिलक्रेस्ट सिज़लर, और यही सबसे ज्यादा फेमस है इस टाइम पे यहां पर। बहुत ही टेस्टी, जितना टेस्टी दिख रहा है उससे ज़्यादा टेस्टी खाने में है ये। ओके, तो हमारा डिनर भी आ गया है। हम खा रहे हैं राइस, पनीर पसंदा, तंदूरी रोटी, दाल एंड वेजिटेबल रायता। ओके, तो गाइज हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं। आई होप आप सभी ने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।